वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमके सिन्हा। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे इस चैनल पे 11th एंड 12th इंग्लिश का टॉपिक वाइज वीडियो डाला जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो समय के अनुसार पहुंच सके। आज हम लोग 12th इंग्लिश का स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑदर्स। ठीक है, आज हम लोग क्लास 5 में हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास 5 में हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश आज पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑदर्स। ठीक है, सबसे पहले आपका फर्स्ट राइटर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, इनका फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हैमलेट, सेकंड ऑथेलो, थर्ड मैकबेथ, किंग लियर, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट। फिर आगे है द मर्चेंट ऑफ द वेनिस, आगे है मेजर फॉर मेजर, आगे है ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट, द कॉमेडी फॉर ईरर्स, द कॉमेडी फॉर ईरर्स। तो ये आपका था विलियम शेक्सपियर का। सेकंड राइटर है जी बी शाह। ठीक है, फर्स्ट इनका है कैंडिडा और सेकंड है एस टी जॉन। थर्ड है मैन एंड सुपरमैन। फोर्थ है आर्म्स एंड द मैन। थर्ड राइटर है आर के नारायण। लिखा हुआ फर्स्ट इनका है द गाइड, सेकंड है वेटिंग फॉर महात्मा। ठीक है, फोर्थ में है राजा राव। इनका फर्स्ट है कंथापुरा, सेकंड है द सरपेंट ऑफ द रोप। ठीक है, फिफ्थ में है जॉन ऑस्टिन, इनका फर्स्ट है इम्मा एंड सेकंड है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ठीक है, सिक्स्थ में है टी एस इलियट। इनका फर्स्ट है मर्डर इन कैथेड्रल एंड सेकंड है द वास्टरलैंड। सेकंड क्या है? द वास्टरलैंड। तो आप सब सोचते होंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हु इज रिटेन बाई हैमलेट। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए तो हम आगे देखते हैं, आगे और भी कुछ है। हम लोग सिक्स तो देख लिए थे, अब देखिए सेवन नंबर में क्या है। सेवन नंबर में आपका है रविंद्रनाथ टैगोर। इनका फर्स्ट है चित्रा, सेकंड है द गीतांजलि, थर्ड है हेवन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आगे है आपका एट नंबर मूल्क राज आनंद। और ये जो लिखे हैं फर्स्ट है कुल्ली एंड सेकंड है द अनटचेबल। ठीक है, नाइन्थ नंबर में है चार्ल्स डिकेंस। और इनके जो लिखे हैं फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड एंड सेकंड है पिकविक पेपर्स। ठीक, टेन नंबर है राइटर डी एच लॉरेंस। इनका पहला है फर्स्ट है द रेनबो एंड सेकंड है द व्हाइट पिकॉक। ठीक, इलेवेंथ नंबर में है मनोहर मालगोनकर। इनका फर्स्ट बुक है द प्रिंसेस एंड सेकंड है अवेन इन द गंगेज एंड थर्ड है डिस्टेंट ड्रम। ट्वेल्थ में है आर्थुर मिलर। इनका जो बुक है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। Who is written by Death of a Salesman? तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा आर्थुर मिलर। ठीक है, आगे है कामला मार्कंडी। ये लिखे हैं द फ्लड। ठीक, उसके बाद आगे है खुशवंत सिंह। ये लिखे हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। आपका 14 नंबर हो गया, चलिए 15 में। ठीक है,
हम लोग 14 तक देखे थे। देखिए 15 में क्या लिखा हुआ है, 15 में आपका है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू इनका बुक है द विलेज सॉन्ग, द विलेज सॉन्ग। ऐसे करते हैं सरोजनी नायडू द विलेज सॉन्ग, ठीक है। आगे है सर और विंदो, ये क्या लिखे हैं सवित्री, हु इज रिटन बाय सवित्री, तो आंसर आपका क्या आएगा सर और विंदो, ओके। आगे है लॉन्ग लैंड, लॉन्ग लैंड कौन लिखे हैं पियर्स एंड प्लोमैन, लॉन्ग लैंड पियर्स एंड प्लोमैन। आगे है वेलीफ कौन लिखे हैं वाइविल, सॉरी बेलीफ क्या लिखे हैं वाइविल, ओके। हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग लिखे हैं टॉम जॉन्स, हु इज रिटन बाय टॉम जॉन्स, हेनरी फील्डिंग, ओके। जवाहरलाल नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ लिख सकते हैं पीटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपका क्या लिखे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हु इज रिटन बाय डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ये लिखे हैं द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। अलेक्जेंडर पोप क्या लिखे हैं रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक। जॉन कीट्स लैमिया, लैमिया कौन लिखे हैं जॉन कीट्स। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट कौन लिखे हैं जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन क्या लिखे हैं पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, देखिए हम लोग 24 तो देखे थे, अब 25 में आपका लिखा हुआ है ई एम फोरेस्टर, ई एम फोरेस्टर क्या लिखे हैं अ पैसेज टू इंडिया, ई एम फोरेस्टर क्या लिखे हैं अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है। रिचर्डसन, रिचर्डसन लिखे हैं पैमेला, हु इज रिटन बाय पैमेला, तो आपका आंसर क्या आएगा रिचर्डसन, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी तो लिखे हैं राजा मोहन वाइफ, ठीक है। विलियम्स वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ये लिखे हैं द प्रेल्यूड, द प्रेल्यूड, ठीक है। लॉर्ड टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन ये क्या लिखे हैं इन मेमोरियम, लॉर्ड टेनिसन क्या लिखे हैं इन मेमोरियम, ठीक है। आगे है कामला दास, कामला दास लिखे हैं द ओल्ड प्ले हाउस, कामला दास लिखे हैं द ओल्ड प्ले हाउस। नेक्स्ट है टोरू दत्त, टोरू दत्त ये लिखे हैं लोटस, ठीक है। अनीता देसाई, अनीता देसाई क्या लिखे हैं वॉइसेस इन द सिटी, वॉइसेस इन द सिटी, ठीक है। वाल्टर स्कॉट, वाल्टर स्कॉट क्या लिखे हैं टेलिसमैन, हु इज रिटन बाय टेलिसमैन, तो आपका आंसर क्या आएगा वाल्टर स्कॉट, ठीक है। डेनियल डिफो, डेनियल डिफो कौन लिखे हैं क्या लिखे हैं, तो लिखे हैं रॉबिन्सन क्रूज, रॉबिन्सन क्रूज, ठीक है। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच ऑर्डेन, डब्ल्यू एच ऑर्डेन ये लिखे हैं द ओरेटर्स, डब्ल्यू एच ऑर्डेन क्या लिखे हैं द ओरेटर्स, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे 35 राइटर का नाम लिखे हैं, और कुछ ऐसे भी राइटर हैं जिनका दो वर्क्स है, जिनका किन्हीं का 3 वर्क्स है ना। सबसे ज्यादा जो है विलियम शेक्सपियर का आपको बताया, लगभग 9 या 10 है ना। तो आप इसे याद रखिए, यहाँ से आपका लगभग जो है आपका 5 मार्क्स के एग्जाम में आएगा, ओके। लगभग आपके यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है, ठीक है। तो आप इसे इजीली याद कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और एक बात आपको और बोल लेंगे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास वीडियो समय के अनुसार पहुंच जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना। आप इसे याद रखिए, ताकि आपको समझ में, आपको एग्जाम में परेशानी नहीं हो, ठीक है। और एक बात और बता दें, जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं 2020 में, 2020 में एग्जाम दिए हैं, वो भी अगर रेगुलर से पढ़ेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, उन्हें उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी कॉपी पर नोट कीजिए, ठीक है।
जो इस बार मैट्रिक एग्जाम दिए हैं 2020 में, वो भी कॉपी पर इसे लिखी है शुरू सीरियल से स्टार्टिंग से, और आप इंग्लिश की तैयारी शुरुआत से स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। और जो 2021 में 2021 में एग्जाम देंगे 12th का, वो शुरू स्टार्टिंग से जो है ना, वीडियो को देखें और कॉपी पे नोट करें, एक नोट्स बनाएं, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।